I am going to tell you about our additional policies of YouTube. I already told you about spam deceptive practice and scam policy, impersonate policy, external link policy, fake engagement policy. Now today is your turn to tell you additional policies. So let us start. Additional policy which you have to follow, otherwise you can't do anything on YouTube. Inactive account policy. Suppose आप 6 महीने तक काम नहीं करते हैं तो आपका account inactive कहलाता है. In general, users are expected to be active member within YouTube community. If an account is found to be overly inactive, the account may be reclaimed by YouTube without notice. और अगर आप 6 महीने तक काम नहीं करते हैं तो आपको नोटिस मिल जाएगी और बिना बताए वो आपका चैनल हटा सकता है. Inactivity may be considered as, अब inactive कैसे है, not logging into the site for at least 6 months, 6 महीने तक आप इसमें लॉगिन ही नहीं करते, never having uploaded video content और कभी उसमें वीडियो डाला ही नहीं, not actively partaking in watching or commenting on video or channel, और अगर आप वीडियो देखते नहीं है, चैनल देखते नहीं है और उसमें कमेंट नहीं करते तो भी आप इनएक्टिव कहलाएंगे. तो लोगों का अगर वीडियो देखिए तो उसको देखिए भी, कमेंट भी करिए और रन भी करिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए. और आपने कभी वीडियो अपलोड ही नहीं किया तो भी वो हटा देगा आपका चैनल. एनकरेजिंग टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन. अगर आप किसी को एनकरेज करते हैं कि YouTube के नियम को तोड़ो तो वो भी गलत है. इफ़ यू पोस्ट कॉन्टेंट दैट एनकरेजेज अदर यूजर टू वायलेट YouTube टर्म्स ऑफ सर्विसेज, द कॉन्टेंट मे बी रिमूव्ड, योर अकाउंट मे बी पेनलाइज एंड इन सम केसेज योर अकाउंट मे बी टर्मिनेटेड. तो आपका अकाउंट अगर आप किसी को प्रोवोक करते हैं कि YouTube के नियम को तोड़ो तो उस केस में भी आपका अकाउंट पेनलाइज होगा और पेनाल्टी पड़ेगी और आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा. पोस्टिंग प्रीवियसली रिमूव कंटेंट. अगर यूट्यूब ने कोई कंटेंट हटा दिया और आप उसको फिर से पोस्ट करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इफ़ यू पोस्ट कंटेंट प्रीवियसली रिमूव फ्रॉम वायलेटिंग आवर टर्म्स ऑफ services or content from creator who have been terminated under our term, the content may be removed, your account may be penalized and in some cases your account may be terminated. तो उस केस में क्या होगा, आपको पेनल्टी पड़ेगी और आपका हो सकता है यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाए. तो ऐसा कोई भी कॉन्टेंट दोबारा मत डालिए जो पहले ही से जिसमें स्ट्राइक आ चुकी हो, जिसको टेक डाउन किया जा चुका हो. एज रिक्वायरमेंट ऑन गूगल प्रोफाइल. अब यू मे आस्क यू टू कन्फर्म योर एज इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू यूज यूट्यूब और मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स, अदरवाइज यू कैन नॉट हैंडल ब्रांड अकाउंट. फॉर दैट यू हैव टू रजिस्टर योर एनी फैमिली मेम्बर हु इज मोर देन 18. अब आपको यूट्यूब पर काम करने के लिए कम से कम 18 साल का होना चाहिए. अगर आप नहीं है तो आप करके किसी आदमी को उसमें रजिस्टर कराइए जो आपके ब्रांड अकाउंट, और ब्रांड अकाउंट में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है. और अगर बड़ा आदमी कोई है तो उसको रजिस्टर कराइए. व्हाट हैपन इफ कंटेंट वायलेट दिस पॉलिसी. अगर एडिशनल पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो क्या होगा. इफ़ योर कंटेंट वायलेट दिस पॉलिसी, यूट्यूब रिमूव द कंटेंट एंड सेंड यू अ ईमेल टू लेट यू नो. इफ दिस इज your first time violating our community guideline, you will likely get a warning with no penalty to your channel. If it's not, we may issue a strike against your channel. If you get a 3 strike within 90 days, your channel will be terminated. तो ये तो हम हर बार बता रहे हैं आपको कि आपको पहली बार वार्निंग आएगी, ईमेल आएगी और वो वार्निंग में पेनाल्टी नहीं लगेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही कोई स्ट्राइक लगती है तो आपको पेनाल्टी भी लगेगी. और अगर 3 स्ट्राइक 90 दिन में आ जाती है
तो आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है. सो बी केयरफुल एंड डोंट वायलेट द पॉलिसी ऑफ द YouTube. एंड इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मर. फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक. गो टू माई कम्युनिटी. ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड सपोर्ट मी. एंड प्लीज रन द वीडियो देन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली. थैंक यू.